हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर कर्ल इफेक्ट जो है, यानी पेज कर्ल इफेक्ट जो है, कैसे बनाएंगे। यानी पेज जो है आपको मुड़ता हुआ दिखेगा और उसके नीचे आपको जो है कोई एक फ़ोटो दिखेगी। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट जो है आज हम एडोबी फोटोशॉप में बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने जो है यहाँ पर दो इमेजों को ओपन किया हुआ है। टोटल टू इमेजेस हैं। एक इमेज को हम कर्ल करेंगे और दूसरी इमेज को जो है हम नीचे से बैकग्राउंड में दिखाएंगे। तो कैसे बनाना है इस इफेक्ट को, अब देखते हैं। मैं इस इमेज को जो है, इस वाली इमेज के ऊपर जो है ड्रॉप कर देता हूं और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको पूरे एस्पेक्ट रेशियो जो है मेंटेन कर देता हूं, जिससे कि इस फोटो पे जो है थोड़ा बढ़िया सा दिखे। तो मैंने इसको मेंटेन कर दिया और ये फ़ोटो जो है मैंने इस पे जो है ड्रैग कर दी है। तो देखिए, अब हमारे पास एक पैनल में दो फोटोज़ जो हैं आ गई है सिंगल कैनवस में। अब जो है हमें इस वाली फ़ोटो को जो है फोल्ड करना है नीचे की साइड से। ठीक है, हम दो जगह से फोल्ड करेंगे, एक इधर टॉप से और एक यहाँ डाउन से। ठीक है, दो जगह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मुझे इतना बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद आपको यहाँ ग्रेडिएंट टूल पे जाना है और यहाँ पे एक आपको ग्रेडिएंट लगा देना है, जिससे जो है यहाँ पे एक ग्रेडिएंट फिल हो जाए। यहाँ पे फिल होने के बाद आपको इसको डीसेलेक्ट करना है और यही काम आपको यहाँ पे नीचे डाउन में भी करना है। तो मैं यहाँ तक इस इफ़ेक्ट को जो हूँ अप्लाई करना चाहूँगा डाउन में, तो मैंने इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पर भी मैं ग्रेडिएंट जो है फिल कर देता हूँ, तो मुझे इतना ग्रेडिएंट चाहिए तो मैंने इतना फिल कर दिया। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट किया। अब इसको मैं मूव टूल पे जाऊंगा, स्विच करूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट पिक्सल्स पे क्लिक करूंगा। तो देखिए, सभी पिक्सल्स जो हैं इमेज के सिलेक्ट हो गए हैं। पिक्सल सिलेक्ट होने के बाद अब आप सभी को ट्रांसफॉर्म करना है इमेज को। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करना है रैप पे। रैप पे क्लिक करने के बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के रैप करना है। बस ये सिंपल सा है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे रैप करूँगा, मुझे यहाँ तक इसे जो है रैप करना है और यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसका सही करूँगा, जिससे कि थोड़ा सा जेन्युइन सा लुक लगे। तो यहाँ से हमने ये काम कर दिया है। अब इधर से भी हमें सेम काम करना है, इसको मैं यहाँ पे रैप करूँगा। एकदम आराम आराम से करिएगा फ्रेंड, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जितने आराम से आप कीजिएगा, जितना टाइम देंगे, उतनी जल्दी ही आप अच्छे अच्छे इफेक्ट बनाना सीखेंगे। अब मैं जो हूँ इसको एडजस्ट करता हूँ और अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे जो है यहाँ पर कर्ल कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया है डन। डन होने के बाद मुझे जो हूँ इसका सिलेक्शन जो है डीसेलेक्ट कर देना है। कंट्रोल डी से मैंने इसका सिलेक्शन जो है डीसेलेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन डीसेलेक्ट करने के बाद मैं पहली लेयर पे जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मेरे को इसमें जो है एक ड्रॉप शेडो जो है लगा देनी है। इससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट जो है मेरे को देखने को मिलेगा। इसे मैं यहाँ पर इसका एंगल जो हूँ 48 मेरे को यहाँ पे मैं एंगल लगा देता हूँ और इसके बाद इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा मैं कम करूँगा, स्प्रेड भी थोड़ा सा कम करूँगा मैं और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। देख रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है कम, बस थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप जो है इस इमेज को सेव कर लीजिए और आपका जो है पेज कर्ल इफेक्ट जो है बन चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारे
बहुत सारी फ़ोटोज़ को भी सिंगल इमेज पे कर्व कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप कोई और इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए ट्यूटोरियल जो हूँ ज़रूर बनाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। कोई भी अगर आप आर्ट बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो मेरे को टैग करना ना भूले। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी अगर आप पोस्ट करते हैं तो मेरे को टैग जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।